जबान का हरी ओवर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, हम लाहौर को सपोर्ट करने आए थे और हम बहुत खुश हैं कि लाहौर जीत गए। जमान खान ने हरी ओवर किया था, वो भी लाहौर में जीत। हाँ जी बिल्कुल। आज लाहौर जमान को क्या रेट करते हैं? 10/10 बिल्कुल। उसका लास्ट ओवर बहुत जबरदस्त था, समान का लास्ट ओवर बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। लास्ट ओवर में दिल बंद हो गया था हमारा। क्यों जबान हार क्यों रही ओवर में? ये कभी हारने की वो खुशी होती, कभी जीतने की कि आप हारेंगे हम अब कभी जीतेंगे। फिर शुक्र है लाहौर जीत गया है। मजा आया? बहुत मजा आया। कहाँ से आए हो? मैं जतोई से आया। लाहौर के सपोर्टर हो यार? हाँ जी लाहौर। तो जबान की बॉलिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी। एंड पे कोई पैगाम जबान के लिए? बहुत अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा नर्वस करने वाला था। जबान के लिए पैगाम दे दो यार। लव यू। आई लव यू हारिस लव एंड शाहीन शाफरी। वाओ आई लव यू जमान खान। भैया कैसा लगा जमान खान का हरी ओवर? जमान खान का ओवर माशाल्लाह बहुत अच्छा ओवर कराया उसने। जमान खान का ओवर एंड वाला बहुत अच्छा था इंशाल्लाह। मैच लाहौर के अंदर कुछ जिताया उसने, स्पेशली जो लास्ट ओवर में उसने 3 विकेटें ली हैं उसने कमाल कर दिया। मैच का पासा ही वहीं पे पलटा जहाँ पे उसने 3 विकेटें ली हैं। अगर वो 3 विकेटें नहीं लेता तो मेरा नहीं ख्याल था। जैसे कि अभी अभी कमबैक किया है शाहीन ने इंजरी से, तो 1 विकेट ली उसने और इतना अच्छा उसकी कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस भी नहीं थी। और उसके बाद जैसे लास्ट ओवर उन्होंने वीसा की बजाय जमान में बिलीव किया और उसने परफॉर्मेंस दी तो उसने कमाल कर दिया। आज का क्रेडिट फिर किसको? तो क्रेडिट तो डेफिनेटली जमान को ही जाता है जी। तो जमान खान के लिए पैगाम? जमान खान जिंदाबाद है जी हमारा। भैया कैसा लगा आज का मैच? बहुत जबरदस्त लगा। अच्छा था यार आज का मैच, सबसे बेस्ट मैच था। और क्या क्या चेंजिंग पॉइंट था यार, टर्निंग पॉइंट था, किसको सपोर्ट कर रहे थे? हम आए तो यहाँ मुल्तान से थे, लेकिन हम जो सपोर्ट कर रहे थे ना वो हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे थे। और ये भाई हमारा जो था ये आज बड़ी जबरदस्त लाहौर की बैटिंग थी, और ये भाई जो आया था ये मुल्तान का सपोर्टर था, लेकिन इसने हमारी शुरू शुरू में बहुत बेइज्जती की, लेकिन एंड में जब मुल्तान हार गया तो हम इसकी बेइज्जती करेंगे। भैया क्या लगता है आज के मैच का क्रेडिट किसको जाता है? हम कहते हैं कि ये सारा का सारा क्रेडिट जमान खान को जाता है, उससे पहले शाहीन अफरीदी को जाता है, जिन्होंने लास्ट ओवर जो दिया था वो वाइस को दिया था, लेकिन उसने एक अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने फिर जमान खान को वो ओवर खेल दिया, जिसके बाद बहुत अच्छा यानी कि जमान खान ने परफॉर्म किया और लाहौर कलंदर ने ये चीज़ दी। बिल्कुल यही बात है, पिछले इस बार फिर इंशाल्लाह और यही लाहौर कलंदर ये फाइनल लेके रहेंगे इंशाल्लाह, हमारी फेवरेट है जी। जमान खान के बारे में कोई लाइन? यार जमान खान ने एक अच्छा ओवर किया है, लेकिन जैसे ही वो शाहीन अफरीदी डेविड वीजे को ला रहा था तो हम तो खुश हो गए थे कि 4 बालों में ही मैच खत्म हो जाएगा। बस जैसे ही जमान आया तो मुझे उस वक्त ही लग गया था कि अब जीतना मुश्किल है। अब जीतना मुश्किल है मतलब जमान जितवा ही रहेगा। हाँ जमान बस एक अच्छा ओवर कर गया, क्योंकि जब भी जमान खान का आखिरी ओवर आया हमेशा उसने सुरखरू किया हमें, ठीक है ना। पिछले साल भी एक ओवर, हाँ पिछले साल मुझे याद हमेशा जो हमारा जो आसिफ अली था उसको भी आखिरी ओवर में इसने स्कोर नहीं बनने दिया, उसके बाद खुश दिल यही था जिसको इसने स्कोर नहीं बनने दिया और आज भी हमें सुरखरू किया है। जमान खान के लिए कोई लाइन यार, कोई पैगाम? जमान खान जिंदाबाद।